ये वही बाइक का केचिस है जो स्प्लेंडर प्लस BS6 सफाई वाली वेरिएंट बाइक था, जो बाइक एक्सीडेंट के बाद बिल्कुल फाट फाट बिखर गया था और आपको हम इसे पिछले वीडियो में दिखलाए भी थे। और केचिस सीधा करने के लिए हमने लाए थे लेते शर्मा एंड शर्मा लेते मधुबनी में वहाँ पे। और ये बाइक का केचिस अभी देखे प्रॉपर नया जैसा सीधा का, पहले काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा था और केचिस यहाँ पे देखे थे पहले पिचक गया था। केचिस यहाँ पर आपको दिखलाए थे पहले बिल्कुल पिचक गया था, बैंड हो गया था, चिपक करके अंदर चला गया था। ये प्रॉपर अब देखिए सीधा हो गया जस्ट उसके बाद यहाँ पे बात की, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेंड था। ये भी देखिए पोर्शन अब नया जैसा के प्रॉपर सही हो गया। जस्ट उसके बाद यहाँ पे बात कर ली इसका, ये पोजीशन बिल्कुल बेंड था। इंजन जैसे इसके अंदर लगा था ये अंदर चला गया था और ये इंजन जो इसके यहाँ पर चिपक गया था। ये केचिस प्रॉपर सीधा हो गया है, उसके साथ साथ रियर व्हील को सही किया है, उसके बाद फ्रंट व्हील का काम हुआ है, फ्रंट व्हील काफ़ी बेंड था, व्हील को सही किया है। जस्ट उसके बाद दोनों शॉकर पैंप सही हुआ है, टी सही हुआ है, टी प्लेट को सीधा, क्योंकि काफ़ी बिल्कुल बुरी तरह से बाइक एक्सीडेंट हुआ था जिसके लेकर पार्ट बाय पार्ट इसका बिखर गया था, काफ़ी बेंड हो गया था। इन सभी पार्ट को प्रॉपर लेथ वाले भाई ने अच्छा से सही किया है और चेची सब देखिए देखने में काफ़ी सेंटर में आ गया। अब रियर व्हील भी देखिए, अब रियर व्हील देखिए प्रॉपर बीचों बीच सेंटर में। पहले क्या था कि रियर व्हील जो है वो राइट साइड चला गया था और ये वाला पोर्शन जो है लेफ्ट में चला गया था, यानी ऐसे बैंड हो गया था चेची। अब देखिए प्रॉपर इस सेंटर में आपको दिख रहा होगा, जो कि यहाँ से प्रॉपर सेंटर में दिख रहा है। आज इसको लेकर जाएंगे हम अपने वर्कशॉप पे, जस्ट उसके बाद वर्कशॉप पे प्रॉपर अच्छा से इसको सेटिंग करेंगे। अभी एक वीडियो जो है लेग पे शूट कर रहे हैं, आप देखिए काफ़ी प्रॉपर अच्छा तरह से आप काफ़ी फिनिशिंग में काम हुआ है, जैसे पता भी नहीं चल रहा है कि चेचिस रिपेयर हुआ है। तो जैसे काम का जो फिनिशिंग का क्वालिटी है ना, कुछ ही अलग ही क्वालिटी में काम हुआ है, जो पहले चेचिस बिल्कुल बुरी तरह से बैंड था। काम का फिनिशिंग का तो भाई जवाब नहीं, तो मानना पड़ेगा भाई। अब इसको लेकर चलते हैं फटाफट से हम अपने वर्कशॉप पर, फिर जिस तरह से बाइक असेंबल किया था उसी तरह से बाइक को फिर से हम असेंबल करेंगे, पार्ट बाय पार्ट में सेटिंग करेंगे। इसमें थोड़ा बहुत पार्ट भी चेंज करना पड़ेगा, जैसे कि हैंडल वोल्डेसर इसका बिल्कुल खराब हो गया था, हैंडल वोल्डेसर नया डालेंगे, फ्रंट वाला मटर गार्ड टूट गया था, मटर गार्ड असेंबल करेंगे नया। उसके बाद इसमें थोड़ा बहुत और भी पार्ट था जो टूट गया था, उस सबको रिप्लेस करेंगे। उसके बाद बाइक को हम प्रॉपर नया जैसा टाइट करेंगे। अब आपको मन में एक डाउट आता होगा कि चेचिस जो हमने सीधा करवाई लेट से, ये नया जैसा होगा या कि नहीं। तो बिल्कुल नया जैसा चलेगा भाई, कहीं से भी बाइक ड्राइव करने में अबलिंग बबलिंग लेफ्ट राइट आगे भागे नहीं करेगा कहीं भी बाइक लेफ्ट राइट। जैसे बहुत मुझे इससे पहले वीडियो में कहेंगे भैया केचिस सीधा करवाए तो क्या नया जैसा बाइक होगा, बिल्कुल नया जैसा होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको लाइव प्रूफ दिख रहा है कि बिल्कुल अलाइनमेंट सूत बाय सूत अलाइनमेंट मिला करके केचिस को रिपेयर किया लेट वाले भाई ने। उसके बाद बात करते कहीं से भी केचिस तो बेंड नहीं लग रहा है अब, और काम में तो काफी यार फिनिशिंग हो गया। अगर आप लोग भी मधुबनी जिला से और आप केचिस वगैरह लेट का कोई भी काम करवाना चाहते हैं, जैसे कि केचिस बेंड हो गया, हेड ब्लॉक क्रैंक के लेकर कोई ऐसा इशू है, तो आप शर्मा एंड शर्मा लेथ पे आ सकते हैं मधुबनी में। और बाइक का जो भी काम करवाते हैं यहीं से काम करवाते हैं, एक राजनगर में भी लेते हैं, सुनील जी का लेते हैं जो पेट्रोल पंप के पास है। अगर आप उधर से हैं तो सुनील भैया के लेथ पे जा सकते हैं जो राजनगर में, अगर मधुबनी से तो मधुबनी में शर्मा एंड शर्मा लेथ पे आ सकते हैं। काम के लेकर प्रॉपर आपको फिनिशिंग मिलेगा, काम में कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको लाइव प्रूफ यहाँ पे दिख रहा है केचिस वगैरह किस तरह से प्रॉपर नया जैसा काम हुआ है केचिस का, और केचिस परफेक्ट सीधा हो गया। अब इसको बाइक को हम पार्ट बाय पार्ट असेंबल करेंगे, जिस तरह से ओपन के तो उसी तरह से असेंबल करेंगे, वो आपको आगे वीडियो में बताएंगे इसको पार्ट को किस तरह से असेंबल किया जाएगा, क्या इंजन इसमें फिट करने के बाद चेचिस से चिपक रहा है या नहीं, क्योंकि इंजन आप देखे थे एक तरफ से चेचिस से चिपक रहा था, टोटल प्रॉब्लम इसका तो शॉर्ट आउट हो गया। अब इसको वर्कशॉप पे लेकर जाएंगे, उसके बाद बाइक को हम पार्ट बाय पार्ट असेंबल करेंगे, फिर उसके बाद नया जैसा बाइक हो जाएगा। बाइक को असेंबल का वीडियो आगे वीडियो में बतला देंगे, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ली, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।